हेलो, वेलकम टू कैश 25 साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। मैं आपका होस्ट, आपका मेंटर पवन भारद्वाज। नाउ हियर वी आर हैविंग एमएससी 2021 मैथ सीरीज। इसमें मेरा ये सेकंड वीडियो है। होप आपको पहला वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक पे जाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फर्स्ट वीडियो देखिए, आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखा है तो आपके लिए सेकंड वीडियो है। वी आर कंटिन्यू विद अ स्ट्रेट लाइन एमसीक्यू फॉर एमएससीडी 2021। अच्छा, इसके अलावा हमारे फिजिक्स और केमिस्ट्री के वीडियोज़ है, काफ़ी वीडियोज आ चुके हैं, आपने काफ़ी देखे होंगे। होप आपको काफ़ी पसंद आया होगा। आइए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। Now we are going for question number 5. Find the angle between the x-axis and the line joining the points 3, -1 and 4, -2. ठीक है? I want an angle between the x-axis and the line joining the points 3, -1 and 4, -2. Now student, if I say if I'm drawing this, just observe. Tick. Now this is x-axis and this is y-axis, right? Now suppose if there's a line making in some angle theta with positive direction of x-axis, then the slope always is equal to tan theta, right? Now here in this case the slope of the line is equal to, if you observe here, we have, you can see, you can say x1, y1, here you can say x2, you can say y2. What is the basic formula for a slope? Slope ka formula kya hota hai? y2 minus y1 upon x2 -x1. Now what is y2? Here y2 is -2, minus. What is y1? y1 is -1 upon x2. x2 is 4 and x1 is 3. अब क्या हो गया? कैलकुलेशन देखिए स्टूडेंट। -2 + 1 upon 4 - 3 = 1, तो क्या आंसर आ जाएगा? -1 / 1, तो आंसर इज -1. सो स्टूडेंट, सो स्लोप m इज इक्वल टू हाउ मच? -1. लेकिन स्लोप का फॉर्मूला स्टूडेंट क्या होता है? tan थीटा. सो tan थीटा इज इक्वल टू -1. Now we know theta always moves from 0 to 180. In a case of inclination, theta is from 0 to 180. अब tan theta negative आया, मतलब पक्का हो गया, आपको आता है 11th का ट्रिक हो कि tan theta negative आया तो second quadrant, right? तो अब theta कितना होना चाहिए? तो theta will be obviously 135 degree. Because tan 45 1 होता है, तो theta will be 180 minus 45, which is 135. तो अब options देखिए A, B, C, D में, तो yes, तो B is the correct answer. तो option is B, 135 degree. Okay student? Yes, तो option, क्या option है? यहाँ पे हम लिख भी देते हैं. Option is B, 135 degree. Now we are going for next question. Now, what is next question? Dekhi. If the straight line passes through the point -0.5, 1 and 1, 2, then its intercept, x-intercept is how much? What do you mean by x-intercept? I student. Main aapko diagram ka samjhata hu. This is x-axis. This is y-axis. Ab x-intercept kya hoga?
सपोज मैंने बोला एक लाइन है, सपोज दिस इज अ लाइन, देन दिस इज बेसिकली कॉल्ड व्हाट, एक्स इंटरसेप्ट, दिस इज एक्स इंटरसेप्ट, राइट? ओके, नाउ स्टूडेंट, नाउ दे आर सेइंग कि एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा. तो अब सबसे पहले आपको लाइन का इक्वेशन फाइंड करने का है. तो लाइन का इक्वेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं? सबसे पहले हम लोग स्लोप फाइंड कर सकते हैं. चलिए स्लोप, स्लोप का फॉर्मूला सेम, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन. तो स्लोप क्या हो जाएगा? चलिए इसको एक्स वन वाई वन, ये एक्स टू और ये वाई टू, वाई टू माइनस वाई वन. तो क्या हो जाएगा? देखो ऑब्जर्व कीजिए, टू माइनस वन अपॉन एक्स टू. वॉट इज एक्स टू? वन माइनस एक्स वन. एक्स वन कितना स्टूडेंट? माइनस हाफ. सो टू माइनस वन वन अपॉन वन प्लस हाफ. सो कितना हो गया स्टूडेंट? वन. एलसीएम ले लेंगे तो टू प्लस वन कितना हो जाएगा? थ्री बाय टू. तो आंसर आ जाएगा टू बाय थ्री. तो मीन्स सो वेट अ मिनट स्टूडेंट, सो स्लोप इज 2 बाई 3. नाउ इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन अ यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इन अ ब्रैकेट वी आर हैविंग. चलिए यहां लिख देता हूं, स्पेस का थोड़ा इश्यू है. वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन. ठीक है. नाउ अब व्हाट इज एक्स वन वाई वन? यू कैन टेक दिस वाई माइनस, व्हाट इज वाई वन? वन. स्लोप ऑब्वियसली टू बाई थ्री लेंगे हम. एंड एक्स माइनस एक्स, व्हाट इज एक्स वन? माइनस हाफ. माइनस माइनस प्लस, तो एक्स प्लस हाफ. नाउ स्टूडेंट हमको इक्वेशन में इंटरेस्ट नहीं है, हमको एक्स इंटरसेप्ट में इंटरेस्ट है. तो वापस यहां पर जाओ, ये देखो ये होता है एक्स इंटरसेप्ट. अब ये इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए व्हाट इज द प्रोसीजर? सिंपल प्रोसीजर कि वेयर द लाइन इज इंटरसेक्टिंग विद एक्स एक्सिस, राइट ना, दैट इज कॉल्ड एक्स इंटरसेप्ट. तो हाउ टू फाइंड दिस? द सिंपल लॉजिक इज इन अ इक्वेशन ऑफ अ लाइन, सिंपल पुट वाई इज इक्वल टू जीरो. हमने जीरो लिख दिया, तो जीरो माइनस वन इज इक्वल टू टू बाय थ्री ब्रैकेट में एक्स प्लस हाफ. This is how much, what is 0 minus 1? Minus 1 is equal to 2 by 3. तो bracket में x plus half. अब ये क्या हो जाएगा? Cross multiply. Minus 3 by 2 is equal to x plus half. Right? Minus 3 by 2 is equal to x plus half. चलिए यहाँ पे लिख देते, यहाँ पे जगह है. तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो जाएगा? Minus 3 by 2 minus half is equal to x. तो we are getting minus 4 by 2 is equal to x. तो x कितना हो जाएगा student? Minus 4 upon 2 मतलब minus 2. तो you can see x is equal to minus 2. तो options क्या आ रहा है? Option A, right? x is equal to, we are getting minus 2, right? तो स्टूडेंट हियर हमने क्या कॉन्सेप्ट यूज किया? सबसे पहले हमने लाइन का इक्वेशन फाइंड किया. एंड व्हेन एवर आई नीड एक्स इंटरसेप्ट, व्हाट इज द मेथड? पुट वाई एज जीरो. अब सोचो स्टूडेंट, अगर वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना होता तो पुट एक्स एज जीरो. तो इस चीज का ध्यान रखना आपको. ओके, नाउ वी आर गोइंग फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 7. वर्टाइसेस ऑफ अ ट्राइंगल PQR, P 2, 1, Q minus 2, 3,
and R 4,5. Find the equation. Find the equation of median passing through the vertex R. आइए डायग्राम बनाते हैं हम लोग. This is P. This is Q. Suppose this is R. What is P? 2,1. What is Q? -2,3. What is R? 4,5. I need a median passing through vertex R. So I can say, suppose this is a median. This and this is congruent. I can say RT. I can say RT is median. RT is a median. Now how to find equation of RT? Simple. We know T is a midpoint. So we can find using a midpoint formula. So kya ho jayega socho? This is x1. This is y1. This is x2. This is y2. So kya ho jayega? X1 plus x2. So this is x1, 2. Plus of minus 2. So 2 minus 2. Upon 2, comma. Y1. What is y1? 1 plus 3. So it is 1 plus 3 upon 2. So you are getting 2 minus 2, 0, 0 upon 2, 0. 1 plus 3, 4. 4 upon 2, 2. So T kitna hai student? 0,2. Now student, observe kijiye, mujhe RT ka equation find karna hai. मुझे R भी मालूम है, T भी मालूम है, तो चलिए RT का पहले slope find कर लेते हैं, slope of RT. Formula क्या रहेगा? वही y2 minus y1. तो T कितना है? चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं. T कितना आ गया अपने को? 0,2. T आ गया, R मालूम है. तो slope क्या हो जाएगा? Directly लिख सकते हैं हम लोग. 5 minus 2 upon 4 minus 0. ऐसा क्यों लिखा? y2 minus y1 upon x2 minus x1. So 5 minus 2, 3 upon 4. Right? So slope aa gaya RT ka. Equation, same formula, slope point form. Y minus y1 is equal to m x minus x1. अब आप लोग सर x1 y1 किसको ले सकते हो? किसी को भी ले सकते हो, या तो t को ले सकते हो या तो r को ले सकते हो, बिकॉज दे लाइज ऑन अ सेम लाइन rt. तो चलिए t को ले लेते हैं. तो ये हो जाएगा द 0 विल बी x1 एंड 2 विल बी y1. तो y minus 2 इज इक्वल टू व्हाट इज स्लोप? 3/4 इनटू x माइनस व्हाट इज x1? 0. क्रॉस मल्टीप्लाई 4y minus 8 is equal to 3x. सबको आप ले लेंगे तो 0 is equal to 3x. 4y will be negative minus 4y. Minus 8 will be positive to plus 8. तो what is the answer? That is 3x minus 4y plus 8 is equal to 0. This is the answer. तो option check करते हैं. Option A, नहीं, क्योंकि माइनस 8 है. ऑप्शन बी, नहीं, बी भी मैच नहीं हो रहा है. ऑप्शन सी, या सी मैच हो रहा है. देखो सी आ रहा है ना, 3x माइनस 4y प्लस 8. तो यस, सी इज द राइट आंसर. ओके, तो अब इस हमने दो कॉन्सेप्ट यूज किया. पहला मीडियन. तो मीडियन डिवाइड द अपोजिट साइड इनटू टू इक्वल पार्ट. देखो टी इज अ मिड पॉइंट फार्मूला यूज किया और स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज किया. ठीक है, कम फॉर नेक्स्ट वन. Now, this is a very good sum. इसमें थोड़ा सा we will be using school physics. A ray of light coming from the point 1,2 is reflected at a point A on the x-axis and then
passes through the point 5, 3. Find the coordinates of the point A. ठीक है, find the coordinates of the point A. Now here, have understanding student. Now चलिए rough plot कर लेते हैं. Here we need 1, 2. I can say just rough में, this is 1, 2. ठीक है, and this is a ray of light coming like this. And this point is 1, 2. ठीक है, रिफ्लेक्टेड पॉइंट ए विच लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, देन पासेस थ्रू 5, 3. तो ऑब्वियसली सपोज इफ दिस इज 1, ऑब्वियसली 5 विल बी समवेयर हियर. और अगर ये y कोऑर्डिनेट 2 है तो 3 समथिंग यहां पे रहेगा, तो अंदाजे से समथिंग यहां पर हो सकता है. चलिए पॉइंट यहां पर है ना, चलो मान लो यहां पर है. ओके, मान लो ये पॉइंट है. ठीक है, नाउ आई एम ड्राइंग वन नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल. नाउ दिस इज इंसिडेंट रे, यस. चलिए तो नाम दे सकते हैं, सपोज आई कैन से इसको नाम दे सकता हूं पी, पी ए. एंड दिस इज इसको नाम दे सकता हूं क्यू, सपोज. तो यू कैन से पी ए इज अ इंसिडेंट रे, दिस एक्स एक्सिस इज एक्टिंग एज अ मिरर, देन ए क्यू इज अ रिफ्लेक्टेड रे. तो चलिए एरो बना देते हैं हम लोग, यस एरो बना दिए हमने, यस रिफ्लेक्टेड रे. एंड दिस इज अ नॉर्मल विच यू कैन सी. हमने स्कूल डेज में पढ़ा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to angle of reflection, right? Suppose this is theta, तो ये भी theta हो जाएगा, right? Now, suppose this is theta 1 and this is theta 2. From a geometry you can say if this is theta, this total will be this total, देखो ये वाला. This is 90, same way here total will be 90. तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, चलो लिख देता हूँ, theta plus theta 1 is equal to 90. And here also theta plus theta 2 also is equal to 90. कैसे आप पूछोगे, देखो ये भी total 90 है ना, देखो चेक करो, yes, because normal is always perpendicular to the mirror. Now since both are 90, तो I can say and थीटा भी सेम है, तो आई कैन से थीटा प्लस थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा प्लस थीटा 2. सो थीटा एंड थीटा कैंसिल, सो क्या आ गया स्टूडेंट, थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2. ध्यान रखना, थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2, यस. नाउ सेम टाइम आई विल से सपोज 10, देन 10 थीटा 1 is equal to 10 theta 2. I will take 10 on both the side. Now student, I need a coordinate of A. So, chaliye isko assume kar lete. A lies on x axis. So, I will say A ka coordinate assume kar lete, x, 0. Theek hai? Ab, slope of AP find karta hoon main. Slope of AP. How we can find slope of AP? We can find slope of AP using simple formula y2 minus y1. आप देख सकते हो, देखो ये x1 y1 ये x2 y2 या इसको आप x1 y1 इसको x2 y2 कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं. तो I can say 2 minus 0 upon 1 minus x 2 minus 0. ध्यान देखना स्टूडेंट, थोड़ा डिफरेंट सा मिले, 2 minus 0 upon 1 minus x. So here we have, जो यहाँ पे, sorry, the slope of AP will be equal to 2 upon
2 अपॉन 1 माइनस x. But if you observe slope according to inclination point of view, now you can see what is the inclination made by AP. मतलब AP x के साथ कितना inclination बनाता है, देखो ये angle बनाता है, ये वाला angle, बराबर. चलिए बताता हूँ मैं आपको, देखो ये वाला angle बनाता है AP, right? तो ये angle कितना हो जाएगा student? ये पूरा angle कितना है? 180. देख सकते हो आप, ये आपको एक रेड पॉइंटर दिख रहा होगा, ये पूरा कितना है स्टूडेंट? 180. ये पार्ट कितना है? थीटा 1. तो ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा 1. तो व्हाट इज द इंक्लिनेशन मेड बाय एपी विद एक्स एक्सिस? 180 माइनस थीटा 1. तो मतलब स्लोप ऑफ एपी इक्वल टू टेन 180 माइनस थीटा 1 विच इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा वन. ना बोथ आर सेम स्लोप, स्लोप ऑफ एपी ओनली, तो माइनस टेन थीटा वन इज इक्वल टू टू अपॉन वन माइनस एक्स, मल्टीप्लाइंग विथ माइनस ऑन बोथ द साइड, तो टेन थीटा वन इज इक्वल टू माइनस टू अपॉन वन माइनस एक्स. स्टेटमेंट वन. ठीक. Now we'll go for slope of AQ. Same manner. Slope of AQ. ठीक है. अब how to find slope of AQ? Same. देखिए y2 minus y1 एक मिनट, ये x है, sorry. Three minus zero upon five. माइनस एक्स तो आ जाएगा थ्री माइनस जीरो अपॉन फाइव माइनस एक्स विच इज इक्वल टू थ्री अपॉन फाइव माइनस एक्स. नाउ स्टूडेंट व्हाट इज स्लोप ऑफ ए क्यू अकॉर्डिंग टू इंक्लिनेशन? तो चेक करो ये जो ए क्यू है, दिख रहा है ए क्यू, ये ए क्यू, ये ए क्यू कितना एंगल बना रहा है, कितना ये एंगल एक्स के साथ दिख रहा है आपको, थीटा टू. देखो ए क्यू कितना एंगल बना रहा है, देखिए थीटा टू. तो स्लोप ऑफ ए क्यू विल बी टेन थीटा टू. आइए सो टेन थीटा टू इज इक्वल टू थ्री अपॉन फाइव माइनस एक्स. Equation 2. Now we know tan theta 1 is equal to tan theta 2. हम जानते हो tan theta 1 is tan theta 2. तो I will say equation 1 and equation 2 equal है. देखो equation 1 ये रहा जो हमने टिक मार्क किया और equation 2 ये रहा. तो यहाँ भी tan theta 1 है LHS में, यहाँ भी equation 2 के LHS में tan theta 2 है, तो दोनों equal है. तो इसका मतलब minus 2 upon 1 minus x is equal to 3 upon 5 minus x. I multiply, cross multiply करते हैं, तो minus 10 plus 2x minus minus plus is equal to 3 minus 3x. So it will be how much? 2x plus 3x is equal to 3 plus 10. आप calculation समझ सकते हो. तो आ जाएगा 5x is equal to 13. तो x is equal to 13 अपॉन 5. इसका मतलब a का कोऑर्डिनेट हो गया 13 अपॉन 5 कॉमा 0. तो ऑप्शन कौन सा है? आप देख सकते हो ऑप्शन बी, बी फॉर बॉम्बे. ओके तो स्टूडेंट सबसे रिवाइज करते हैं, इसमें क्या क्या हमने सीखा. हमने इसमें सबसे पहले ये सीखा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, देयरफॉर थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 सीखा. फिर tan theta 1 इक्वल टू tan theta 2 सीखा. देन व्हाट इज स्लोप ऑफ PA यूजिंग अ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फार्मूला, y2 minus y1 upon x2 minus x1. यस स्लोप ऑफ AP, स्लोप ऑफ AP देखो यहां पे नंबर चला गया, रुक जाइए, दिस इज 2 है ना. स्लोप ऑफ AP इज 2 upon 1 minus x, राइट. सेम विद स्लोप ऑफ AQ निकाला, देन यूज द लॉजिक, राइट.